छः सही तीन, छः बटे सात, चार सही सात, आठ बटे तीन, 9/5। माँ यही कीजिए, बढ़िया मेल खाते जातक हैं दोनों, पूरा राजयोग है, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई है। नहीं नहीं, डरने का कुछ नहीं, ब्याह वेदी पे सब प्रतिकार हो जाएगा। अरे कैसी कमी? यही जरा नारी दोष, इसके लिए ब्राह्मण को गोदान, कांसे के पात्र में घी दान करने से वरवधु का सारा जीवन सुखी। माँ ये लो चिंता। हाँ माँ। अच्छा अब तो अंदर जा। बहू हो तो ऐसी माँ, ये घर की बड़ी बहू होने के एकदम लायक है। अरे पंडित, अगर तुमने सब उपाय कर दिया है तो। अरे माँ मैं कौन हूँ, सब भगवान की करामात है। जो जिसकी हांडी में चावल पकाने आ रही है माँ, खिस्ती चली आएगी वो। अच्छा मैं चलता हूँ माँ। अरे अभी कहाँ चले, तुम चिट्ठी लिख दो मेरे बड़े बेटे को कि तुरंत चला आए। अरे जब मैंने ये सब किया है तो। हाँ माँ, सब नारियल गिन दिए। कितने हैं? 20 हैं। 20 हैं? अच्छा जा ले जा। ए नरी सुन सुन सुन, दो नारियल लेके जाओगे क्या? कौन दिन क्या नहीं लिया जो आज मना कर दूंगा। अच्छा जा, दो नारियल लेके आ जा। हाँ आगे लिखो। हाँ सुर, मैंने देव के लिए लड़की देख ली है, मुझे पसंद है, जमींदार घर की है, मैंने पदम सांतरा को हाँ भी बोल दिया है, तुम चिट्ठी मिलते ही फौरन आ जाना। क्या कहा, पद्म सांतरा के घर में मेरी शादी? कभी नहीं भाई, साफ साफ माँ को लिख दो, देव राजी नहीं है। अरे सुन, और क्या लिखा है पहले पढ़ तो लूं। और पढ़ने की जरूरत नहीं, कहा ना भैया, तुम माँ को मना कर दो। देख तू माँ को नहीं जानता, इस उम्र में उसे दुख देना ठीक होगा? और वो जो जीवन नष्ट करने जा रही है वो ठीक रहेगा? छी ना समझ क्यों बनता है, माँ ने जरूर सामंत राय को जबान दे दी होगी, और माँ की जिद तो तू जानता है ना भाई। मैं मानता हूँ माँ बाप के आशीर्वाद से बच्चों का भला होता है, तो क्या अनपढ़ लड़की से मुझको ब्याह देंगे वो, इसमें मेरा क्या दोष है बोलो? नहीं, उनके जिद और बड़प्पन की खातिर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। देव माँ ने वचन दिया होगा। वचन देने से पहले पूछना तो था, मैं तो कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे मैंने भी तो एक अनपढ़ लड़की से शादी की है। अच्छा बोलो भैया, क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? आज सवेरे आते वक्त कह रहे थे ना भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, शाम तक क्या हुआ कुछ खबर नहीं मिली। भाभी आज अगर दो अक्षर पढ़ी होती तो क्या तुम इस तरह पछता रहे होते? और ये चिट्ठी की बात सोचो, उसने उस चिट्ठी को गांव में कितनों लोगों को दिखाया होगा, क्या पता घर में दो दो बीए पास बेटों के रहते हमारे घर की अच्छी बुरी बात हमारे जाने से पहले दूसरे जान जाते हैं। ये है हमारा हाल। चिट्ठी में माँ ने तुम्हें बुलाया है, तुम घर जाओ और साफ साफ कह देना मुझे अमीर गरीब से कुछ नहीं लेना देना, अगर लड़की पढ़ी हो। परमहंस मुनि मनु लाजिनी, रस की हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति प्रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस सहिता द्वितीय अध्याय समाप्तम्। भगवान कल्याण करे सबका। आरती अति पावन पुराण की। चिंतामणि आज बस इतना ही, मेरा बेटा आ गया, उससे बातचीत करनी है, कल सवेरे फिर सांतरा के घर जाना होगा। माँ वो काम पहले, ये पाठ तो शुरू हुआ लेकिन वो पाठ तो मूल से ही नहीं शुरू हुआ। भक्त जनों बैठे क्यों हैं, अब पंडित को एक एक करके माथा टेक कर उठ जाइए। चल चुपचाप हाथ पर धो ले और कुछ खा ले, उसके बाद कल के लिए बातचीत करेंगे। बातचीत तो तुमने सब कर ली है, अब क्या रह गया है? अरे ऐसे ही खाली पूछताछ हुई है, बात कहाँ हुई है, तो पहले कुछ खा ले। सुन माँ, देव की उस घर में शादी नहीं हो सकती। क्यों? उसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। कौन लड़की इस घर में बहू बन के आएगी ये मैं तय करूंगी, देव नहीं। देव भी यही कहता है, उसकी बीवी कैसी लड़की होगी वही तय करेगा, तुम नहीं। क्या कहा? देव ने ये कहा है? अपने को वो क्या समझने लगा है? ये घर मेरा, सिर्फ मेरे हुक्म से ही ये घर चलेगा, पदम सांतरा की लड़की ही इस घर की बहू बनेगी और बन के आएगी। समझदारी से काम लो माँ, शादी करेगा वो, सारे जीवन का दायित्व सर पर लेगा वो, उसे क्या कर्तव्य बोध नहीं है? और फिर इस घर में पढ़ी लिखी लड़की की बहुत जरूरत है,
तू कब गया था लड़की देखने? मेरी बात छोड़, मैंने तुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, तेरे मन को दुख दिया है, लेकिन हर बार तो ये संभव नहीं है। देव जो कहता है हमारे परिवार की भलाई के लिए है। सुन, मेरी बात को मान ले, कल सवेरे तू मेरे साथ भुवनेश्वर चलना। हमारे बड़े बाबू की एक सुंदर लड़की है, उन्होंने देव को देखा है और मैंने उस लड़की को देखा है। तू खाली देकर हाँ करेगी तो हो गया। मेरे हाँ ना कहने से क्या होता है? मेरा आज से कहना ना कहना सब बंद है। वो अगर चाहता है तो उसे वहाँ ब्याह करने दो, मैं क्यों शादी करा के दोष सिर पे लूं? चारू, तू माँ की बात का बुरा नहीं मानना, बूढ़ी हो गई है ना, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेती है। बड़ी भाभी तो साक्षात देवी की प्रतिमा है, आज तक माँ के सामने कभी एक लफ्ज नहीं कहा। इन सबको समझ के तुम्हें चलना होगा, चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे। परिवार में चाहे कितनी भी अनचाही स्थिति क्यों ना आए, तुम्हें सबको अपना कर रहना होगा। इतना विश्वास तो तुम मेरे ऊपर रख सकते हो। वो तो ठीक है। अच्छा सुनो, कल सवेरे मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। भैया भी मेरे साथ जाएंगे। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चारू, मुझे आशा और विश्वास है कि यह जिम्मेदारी तुम अच्छी तरह से निभा पाओगी। बहू में तू तू मैं हो गई। किसकी बात कर रही है तू? यही साबी बहन की छोटी बहू की बात। पहले दिन से ही रेडियो को हो हो करके बजा रही है, सारे गांव में उथल पुथल मचा रखी है। इसीलिए बजा के दिखाती है सबको। अरे साबी बहन तो ठंडे मिजाज की है, उसको ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं वहाँ बैठी हूँ, बहू के पास साबी सीधा गई, बोली अरे घरैया खड़े हर वक्त देखो के की आवाज। अरे मेरी माँ, उस बहू को डर न भय कुछ नहीं, फटाफट मुंह के ऊपर जवाब दे दिया, बोली खबरें सुन रही हूँ खबरें। मंत्री होगी वो मंत्री, गांव गांव में गा गा के कहेगी रास्ता छोड़ो गाय बकरी, जा रही है सभा नेत्री। अरे ये तो हुई उसकी खबर, और हमारी साबी बहन की क्या खबर? क्या होगी, ये जवाब सुन के आई बड़ी बहू से पानी का गिलास पी के आंगन में गप से बैठ गई। औरों की बात से हमें क्या मिलेगा, बोलो। हाँ ठीक ही तो है। दो, तीन, चार, पांच, छह, 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 छह,
7, 8, 9, 9, 11, 11। जो भी हो तुम्हारा ठीक है। इस उम्र में बेटा बहू के मुंह फेर लेने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये नारियल के पेड़ तुम्हारे बेटों से बढ़ के हैं। अरे समझी रेवा, नरिये ने जब से संभाला है मैं कभी कोई दखल नहीं देती। हाँ हाँ, वो अपने आप गिनके ले जाता है, बेच के अपना पैसा ले लेता है, मेरा मुझे दे देता है। माँ सब गिन लिया। गिन लिया? कितना हुआ? 18 हुआ। पहले का कितना है वो? अरे पहले का 20 बाकी है ना? नहीं जी, 20 बाकी नहीं। और कितना बाकी है घर जाके देखूंगा फिर बताऊंगा। अरे बेटा नरी, तू हिसाब इधर उधर तो नहीं करता ना रे? क्या बात कर रही है माँ जी, तुम्हारे साथ हिसाब किताब गोलमाल करने से मेरे पैर के नीचे जमीन रहेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ। ये पैसे देने से पहले पिछला हिसाब करके जोड़ के दे दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ बोरा लाने के लिए। अच्छा ले, पान ले ले। हो चलता हूँ बहन। अच्छा जा। समझी बहन, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। अरे किसकी बात कर रही है? माँ क्या है? ये आदमी ठीक नहीं लगता, आपको सरल देख ठगता है। इतनी बड़ी बात कहने के लिए तुम्हें हौसला किसने दिया हैं? दो आखर क्या पढ़ लिए? सभी को तुम मूर्ख समझने लगी है क्या रे? मैंने जो देखा वही कहा। ये मौसी क्या बोली? देख बहू, ये सास बहू के झगड़े में मुझे मत खींचो, मैंने तो जो देखा वही कहा। तुम तो खुशी में गम में इसके उसके घर जाती हो, ये घर तोड़ने की नीति क्यों रखती हो तुम? अरे देख तो रे, दोष किसी का लाद दिया किसी के सर पे। अच्छा बाबा मेरी गलती है। और अगर कभी तेरे दरवाजे पे आऊंगी तब तू मुझे कहना, अरे रे रे अच्छा जमाना आया, इसीलिए तो मैं किसी के घर नहीं जाती। अच्छे लोग हैं, कैसा जमाना आ गया है। आए हुए दो दिन नहीं हुए और नाटक शुरू कर दिया है तूने, इसलिए अड़ोस पड़ोस में आना जाना बंद हो गया हमारा है। यही शिक्षा दी है तेरे माँ बाप ने? सास ससुर के मुँह पे जवाब देगी तू? शर्म नहीं है तुझे और तेरे माँ बाप को? माँ बाप को क्यों दोष दे रही हो माँ? ये लो फिर चक्कर चक्कर शुरू हो गई तू तो। यहाँ एक बहू को आए हुए 2 साल हो गए इस घर में, एक लफ्ज बोलते हुए सुना है उसे किसी ने? पढ़ाई की अकड़ दिखा रही है। आज मैं देव को खबर दूंगी, वो आके इसको ले जाए यहाँ से। निकल निकल मेरे घर से। चारू, माँ की तो हर वक्त यही बात है, इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहती। जो कुछ भी वो कहे तुम चुप रहना। कैसे चुप रहती दीदी बोलो? एक आदमी घर को लूट रहा है, वो बता दिया तो मेरी गलती हो गई। मेरे सामने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, कौन बेटी सहन करेगी? ओए माँ ऐसा मत कह चारू, माँ अगर सुनेगी तो आफत आ जाएगी। और बुरा हो या भला हो मैं नहीं जानती, मैं इस घर की बहू हूँ, ऐसी बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी। अच्छा तू चुप हो जा, बाहर कोई है, मैं आती हूँ। चिट्ठी। किसकी चिट्ठी है? चारुलता दास उनकी। ले, मन खराब मत कर। चिट्ठी कहां से आई है? कहां से आई है? उनकी है। देखा, अभी कुछ दिन बीते नहीं तेरा हाल पूछने के लिए देव ने चिट्ठी लिख दी। अच्छा तू पढ़, मैं आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो। शादी के बाद पहली चिट्ठी है, उसने क्या क्या लिखा होगा तुझको? मैं जाती हूँ, तू पढ़। सुनो ना,
जेठ की चिट्ठी देवरानी अगर देखे तो खराब लगेगा, और अगर देवर की चिट्ठी को भाभी सुने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने जरूर तुम्हारे बारे में लिखा होगा। मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा और क्यों लिखेगा? क्यों बड़े भैया? ब्याह के 2 साल बीत गए, उन्होंने मुझे एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। क्यों? पढ़ेगा कौन? मैं तो पढ़ना जानती नहीं। माने घर को बहू की जरूरत थी, बेटे को बिना पूछे मुझे बहू बना कर ले आए, लेकिन इस शादी से वो खुश नहीं है। और माँ बापू जी? सब लोग हैं। वो लोग क्या यहाँ आते नहीं? क्यों आएंगे, क्या देखने के लिए आएंगे? कोई ना आए, कोई ना पूछे, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। जी दीदी, ये हौसला तो तुम खुद ही मुझे दे रही थी, और तुम खुद ही छोटे बच्चे की तरह रो रही हो। चुप हो जाओ। दुनिया में मेरा अपना कहने के लिए कौन है? जिसको देखकर सारी उम्र बिताने की सोच रही थी, उसने तो एक दिन भी मुझे नहीं पूछा। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी और एक दिन भी पति सुख नहीं मिला मुझे। तू सुखी है चारू? कुछ ही दिन हुए हैं तुझे आए, तेरा हालचाल जानने के लिए देव ने चिट्ठी भेजी। मेरा क्या मन नहीं करता इनके बारे में जानने के लिए, लेकिन क्या करूं, किसको कहूं, कौन मेरे मन की बात समझेगा? तुम रो मत दीदी, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, वो मंत्र तुम्हें एक बार सिखा दूं ना तो देखना सब अपने आप आएंगे। वो तुम्हें इतनी चिट्ठियां लिखेंगे कि तुम्हें भैया की चिट्ठियों का जवाब देने का समय ही नहीं मिल पाएगा। बस कुछ महीने तुम्हें दिल लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो, मुझसे मंत्र सीखोगी? कहा था ना जेठ की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। ओ, अब शुरू हो गई है आप? लेकिन इस पे नहीं, मेरी दीदी की जेठ जी को पहली चिट्ठी है। ऐसे के स्लेट पे लिख के मिटा दोगी? कागज पे, जिससे कि भैया उसको खोल के देख ले और उसे बंद न कर पाए। अरे देव, देख तो ये चिट्ठी किसने भेजी है? अरे मेरा नाम तो लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। किसने भेजी है? किसने भेजी, नाम तो लिखा नहीं, लेकिन हमारे घर का सारा हाल लिखा है, और मुझे तो घर आने के लिए भी लिखा है। जरा दिखाओ तो। लो। ये चिट्ठी तो भाभी की तरफ से लगती है, लेकिन भाभी तो फिर चारू ने लिखी होगी। चारू ना, ये लिखा है चारू की नहीं है,
तो फिर हमारे घर की बात और कोई क्यों लिखेगा? भैया लगता है घर में कोई समस्या हो गई है, तुम तुरंत घर जाओ। भाभी ने यह चिट्ठी किसी और के हाथ से लिखवा कर भेजी है, जाओ तुम घर जाओ। ठीक है। अरे पंडित जी अभी तक भागवती कथा कब शुरू होगी, कब सुनेंगे, कब घर जाएंगे, इतना रात हो रहा है। अरे बहन रात बीती जा रही है, पंडित कहाँ है और कितना इंतजार करेंगे? कभी तो देर की नहीं, आज क्या हुआ क्या जाने। अब तक किसी को उनका घर नहीं भेजा, मैं देखती हूँ। अरे भागवत की वजह से मेरी तो मति मारी गई, मैं तो आना नहीं चाहती थी। हाँ चारू अब क्या होगा, आज के दिन अगर भागवत बंद हो जाए तो माँ खाना पीना छोड़ देंगी, तू जाके दो पन्ने पढ़ लेना। दीदी माँ बाहर पंडित की प्रतीक्षा कर रही हैं, ये सब लोग घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, फिर भी माँ मुझे अपनी परेशानी के बारे में कुछ नहीं कह रही है। जानबूझकर अपने घर में और अशांति क्यों पैदा करूं, आप ही बताइए। तो इस समय ऐसी बात क्यों कर रही है? दीदी सब ऐसे समय का बहुत इंतजार करते हैं और वो समय आज मेरे लिए आया है। क्या होगा अब? क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन दीदी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या कह रही है तू? खुश नहीं होंगी, अरे बांझ को बच्चा होने पर सब खुश हो जाते हैं। आज के दिन भागवत पढ़ के मेरी दीदी पूर्वजों का उद्धार करेंगी, इसे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। ए माँ मैं पढ़ूंगी? हाँ तुम पढ़ोगी, मेरे 6 महीने के परिश्रम का क्या कोई मोल नहीं है दीदी? तुम क्या इतनी सी गुरु दक्षिणा मुझे नहीं दे पाओगी? लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रात बीत रही है, सब उधर इंतजार कर रहे होंगे, जाओ जाकर भागवत के 2-4 पन्ने पढ़ाओ। अच्छा जाती हूँ, माँ को तू ही संभालना। तू ही आया और देव? वो नहीं आ पाया, लेकिन इतनी रात गए तू क्यों बाहर बैठी है? संजू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, अलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, सेवत सत। अरे बहन अरे वहाँ कहाँ खड़ी है, इधर तो आ। झूठ मूठी कह रही थी कि बहू अनपढ़ है, है आके तो देख क्या कमाल का पाठ कर रही है तेरी बहू है। आ कितना रस है पाठ में। क्यों रे सुर ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। 2 साल तक मुझसे झूठ बोलती रही तू, ऐसा झूठ बोल के क्या लाभ हुआ तुझे? मेरा विश्वास करो माँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, आपसे छुपाकर ये चारू ने मुझे पढ़ाया है। चारू तू मुझसे नाराज है, इस बुढ़िया को क्या कभी माफ नहीं करेगी तू? छी माँ इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो, भूल मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी को मैंने भेजा था। संजू को भेज के तूने मेरा मान रख लिया,
मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती हूँ? सारा जीवन अनपढ़ रह जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? आते बरस इसी दिन आप बैठ के भागवत पढ़ेंगे और हम सब आपके सामने बैठे सुनेंगे। तो सच कह रही है बेटी, सच कह रही है।